भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए एक बेहतरीन पहल की शुरुआत की है। रेलवे की इस पहल में यात्रियों को 30 जून तक एक लेख के जरिए अपने यादगार लम्हों को साझा करना होगा और अगर उनके इस लेख को रेलवे विभाग पसंद करता है तो उनको इनाम से नवाजा जाएगा। रेलवे विभाग की इस पहल से यात्री बेहद खुश हैं। यात्रियों को अपनी यादगार यात्रा करीब 3000 शब्दों में पिरोने होगा। अगर उनकी लेख रेलवे विभाग को पसंद आएगी तो उनको 10,000 के नाम से नवाजा जाएगा। रेलवे बहुत यात्रा किए हैं, अच्छा प्रभाव किया है रेलवे ने, हम भी उसको लिखेंगे रेलवे को कि अच्छा से अच्छा स्वभाव दें, हमको भी हम भी जीतना चाहते हैं। अरे हमको बहुत अच्छा लाभ हुआ है, हमको इसका लाभ लिखेंगे जरूर, हमको भी सारा इनाम मिल जाए। आपको बता दें कि जल्द ही इसका विज्ञापन जारी होगा जिससे आम जनता ज्यादा से ज्यादा इस पहल से जुड़ सके। हालांकि कुछ यात्रियों को इस पहल की सूचना मिल गई है और उन्होंने अपने यादगार पल को लिखने की तैयारी भी शुरू कर दी है। रेल विभाग का कहना है कि इस पहल से यात्री रेलवे पर और भरोसा करेंगे। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए एक नई सौगात दी है, या कहें कि उनको एक ऐसी एक्सपीरियंस को साझा करने को कहा है कि अगर उनका एक्सपीरियंस रेलवे विभाग को अच्छा लगेगा तो उनको वो पुरस्कृत करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर CPRO साहब हैं, अजीत कुमार जी हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। सर ये क्या स्कीम है, कैसे यात्रियों को इसमें लाभ होगा और रेलवे की क्या ये पहल है? नहीं देखिए, रेल यात्रा हम सभी करते हैं और हर एक व्यक्ति करता है, और रेल यात्रा एक ऐसी यात्रा होती है जिससे जुड़ी हुई बहुत सारी यादें हम सबकी रहती हैं। जब भी पहले यात्रा की होगी या कोई और यात्रा रही होगी तो रेलवे ने अब उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कि जो आपके यात्रा से जुड़ी हुई अच्छी यादें हैं या जो भी है, आप उसको एक 3000 शब्दों में एक यात्रा वृत्तांत बना सकते हैं। और एक डेट दिया है कि 30 जून तक इसको आप रेलवे बोर्ड पे, एक एड्रेस दिया हुआ है रूम नंबर 536, उसमें भेज दें। और एक तरह से प्रोत्साहन दे रही है रेलवे कि जो वृत्तांत आएंगे वहाँ पे उसको एक पैनल होगा उनका एक्सपर्ट्स का, उसके द्वारा चूज़ किया जाएगा। उसमें जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार हैं वो 10,000, 8,000 और 6,000 हैं। इसके अलावा जो प्रेरणा या सांत्वना पुरस्कार आप कह सकते हैं वो 4,000 के 5 पुरस्कार हैं। पुरस्कार के अलावा एक नेशनल लेवल पे उस व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, उसको रिकॉग्निशन मिलेगा। तो रेलवे का हम सबको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है जिसमें हम अपनी रेल यात्रा से जुड़ी हुई जो यादें हैं उनको साझा कर सकते हैं। 3000 शब्दों का एक वो दिया हुआ है, लिमिट दिया हुआ है, प्लस और आपका 30/6/2021 तक उसको जमा करना है। जी सर, कुछ टाइम भी है कि 10 साल पहले की यात्रा हो या 5 साल या 2 साल पहले की यात्रा हो, ऐसा है कि वो भी कोई भी हर उम्र का व्यक्ति जो रेलवे अगर, अगर आप मान लीजिए कि मुझे कोई 20 साल पहले की यात्रा बहुत पसंद है तो ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं दिया हुआ है। आप नेचुरली जब आप एक कंपटीशन में या फोरम में अपनी बात रखेंगे तो आप चाहेंगे कि जो बेस्ट आपको याद हो वही आप रखें, तो ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं दिया हुआ है। ये बिल्कुल रिसेंट भी हो सकता है और आपकी पहली यात्रा भी हो सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शन उस तरह का नहीं। एड्रेस कहाँ का यात्रियों को देना पड़ेगा कि जो आप प्रचार निकाले? ये प्रॉपर हम लोग पब्लिसाइज कर रहे हैं उसमें एक रेलवे बोर्ड का जो हमारा नई दिल्ली में रेल भवन है उसका एक रूम नंबर दिया हुआ है, उस रूम नंबर में आपको 30 जून के पहले भेज देना है। तो वो हम ऑलरेडी डिफरेंट मीडिया के माध्यमों से पब्लिसाइज कर रहे हैं। 536 रूम नंबर का है जनसंपर्क विभाग में, उसमें आपको वहाँ पे भेजना है। कितनी मजबूती मिलेगी सर इससे में यात्रियों को, क्योंकि रेलवे विभाग ने ऐसी यात्राओं को साझा करने की कोशिश की है, तो कितनी मजबूती और लोगों पे विश्वास बढ़ेगा और यात्रा? और देखिए एक बॉन्डिंग आएगी नेचुरली। अगर आप कोई चीज़ लिख रहे हैं तो अगर आपको कोई अच्छी चीज़ याद है तो आप उसको लिख रहे हैं, और एक नेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन आएगा। और जो यात्रियों से हमें इनपुट मिलेगा, बहुत सारे ऐसे होंगे जो मतलब उसमें एक नंबर ऑफ हमको यात्रा वृत्तांत मिलेंगे, तो उससे हमको ये भी पता चलेगा कि जो लोगों का है नज़रिया रेलवे के प्रति कैसा है, अगर कहीं कोई चीज़ है जिसको हम और अपग्रेड कर सकते हैं तो उस तरह के इनपुट्स भी आएंगे। तो वो चीज़ें निहित हैं इसमें, और जो डायरेक्ट है कि आपको राष्ट्रीय स्तर पे एक रिकॉग्निशन मिलेगा वो बड़ी बात है। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ ये अजीत कुमार सिंह थे जो बता रहे थे कि एक अलग सा एक्सपीरियंस यात्रियों को तो मिलेगा, साथ ही साथ रेलवे विभाग को ही मिलेगा, क्योंकि अगर उसमें कोई भी चीज़ नेगेटिविटी आएगी या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ आती है जिसमें रेलवे सुधार कर सकता है तो ये भी एक बड़ी बात होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ी पहल रेलवे की देखी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आखिर पंजाब के सिटी टीवी प्रयागराज।